गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईशेरगढ़। आई एम विकास एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स। टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर 3 मैट्रिक्स ऑफ क्लास 10+2। इन मैट्रिक्स फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। A matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m into n। एक matrix में order of a matrix क्या होता है? m into n। इसमें m क्या है? row और n column है। तो पहले देखते हैं हम row कौन से होते हैं और column कौन से होते हैं। ये एक matrix है m into n की, एक मैट्रिक्स है। इसमें रो कौन से वाले हैं और कॉलम कौन से वाले हैं? रो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरह से जो चलते हैं ना वो कौन से होते हैं? रो होते हैं। ये पहला रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये रो। और कॉलम कौन से होते हैं? कॉलम जो यहाँ से ये चलेगी, ये है पहले कॉलम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जो चलते हैं वो कौन से होते हैं? कॉलम। ये कॉलम और ये रो। रो को किससे इंडिकेट करते हैं? एम से, और कॉलम को एन से। तो ये इसके ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाता है? एम इंटू एन। ये नीचे वाली एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स देखते हैं हम। इसमें पहला क्या है? ए वन वन, ए वन वन, ए वन वन, ये क्या है? वन वन एम इंटू एन, सॉरी ये मैट्रिक्स है एम इंटू एन की। इसमें ए वन वन क्या है? इसको हम इंडिकेट करते हैं ए आई जे से। आई क्या है? रो और जे कॉलम। वन वन किसको इंडिकेट कर रहा है? यानी कि पहली रो। ये जो एलिमेंट्स है ए वन वन, यह पहली रो का पहला ही कॉलम है। ए वन वन पहली रो का पहला कॉलम। रो कौन से होते हैं? ये वाली रो, और इसकी कॉलम ये। पहली रो का पहला कॉलम कौन सा हो गया? ए वन वन, ये हो गया ए वन वन। दूसरा एलिमेंट ए वन टू, ए वन टू में क्या दिखाई दे रहा है? ए वन टू, यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड, सॉरी फर्स्ट रो है और ये टू किसको इंडिकेट कर रहा है? कॉलम को। फर्स्ट रो, रो कौन सी वाली है? ये फर्स्ट रो है। कॉलम कौन से है? ये सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है? ए वन टू, तो ये ए वन टू। इसी तरह से आगे देखो ए वन थ्री, यानी कि फर्स्ट रो ए वन है किसको इंडिकेट कर रहा है? रो को, और थ्री है वो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? कॉलम को, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ये फर्स्ट रो कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से ए टू वन है, यानी कि टू किसको इंडिकेट कर रहा है? रो को, और वन कॉलम को। या ए टू वन है, टू रो को और वन कॉलम को। टू से क्या है? यानी कि सेकंड रो है। ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, कॉलम फर्स्ट, यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम ए टू वन। इसी तरह से आगे देखो ए टू टू, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम ए टू टू। इसी तरह से आगे सभी एलिमेंट्स को इसी तरह से डिफाइन करते हैं।
ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, सेवन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। इन सेवन का हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। पहली कौन सी होती है, कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। एक कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, इसमें रो को कोई एक्सप्लेन नहीं किया। रो अब तीन भी हो सकते हैं, चार भी, पांच भी, छः भी हो सकते हैं, सात भी हो सकते हैं, परंतु कॉलम कितनी हो चाहिए, सिर्फ एक, ओनली वन कॉलम। कौन से होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम कौन से वाले होते हैं, ये इस साइड जो चलते हैं वो कौन से होते हैं, कॉलम। इसमें कितने कॉलम हैं, सिर्फ एक, तो ये कौन से है, कॉलम मैट्रिक्स। रो कितने हैं, 1 2 3 4, फोर रोज हैं। तो इसका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या जाएगा, पहले रो फिर कॉलम, यानी कि रो कितने हैं, 4, कॉलम कितना है, 1, 4 × 1 इसका क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में उसी तरह से ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है तो वो कौन सी हो जाएगी, रो मैट्रिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल बी इज इक्वल टू -1/2 √5 2 & 3। इसमें रो कितनी है, रो कौन से वाले थे, ये, तो रो कितनी है, सिर्फ एक। एंड कॉलम कितने हैं, कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, कॉलम कितने हैं, 4, और रो कितनी है, 1। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, पहले रो और इनटू फिर कॉलम, कॉलम कितने हैं, 4, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स 1 × 4। एक मैट्रिक्स कौन सी है, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अगर रो है वो 3 है तो कॉलम भी कितने चाहिए होने चाहिए, 3। यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, 3 × 3 या 2 × 2, 1 × 1, 4 × 4, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये अगर ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है तो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख रहेगा, ये इसमें रो कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो है, और कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितने कॉलम है, 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 × 3, और मैट्रिक्स कौन सी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ वन कौन सी है, डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स फोर्थ है, डायगनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें पहले क्या दे दिया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी आई जे m × m इज सेट टू बी ए डायगनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0। डायगनल कौन से होते हैं, ये वाले, ये जो ये डायगनल है, इसमें ये डायगनल है, इसमें ये डायगनल्स हैं, ये होते हैं डायगनल्स। तो इसमें क्या बोल रहा है, डायगनल को छोड़ करके बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए, और मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने पीछे क्या, कौन सी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर हो 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4। यानी m × n है, दोनों में m इज इक्वल टू n होने चाहिए। और इसमें क्या बोला, डायगनल मैट्रिक्स में डायगनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। जैसे इसमें ये डायगनल है, इसको छोड़ दिया, बाकी ये 0, ये 0, इसमें ये डायगनल है, बाकी ये 0 0 0 0 0 0, और डायगनल मैट्रिक्स। आगे नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, ए डायगनल मैट्रिक्स
is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal. इसमें बता रहा है भी एक स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डायगनल एलिमेंट्स है ना वो सेम होते हैं. डायगनल्स को छोड़ करके बाकी सभी जीरो तो होते ही होते हैं और जो डायगनल होते हैं वो सेम होते हैं. इसमें डायगनल मैट्रिक्स में क्या था, इसमें डायगनल को छोड़ करके जीरो तो थे परंतु ये जो डायगनल एलिमेंट्स थे वो सेम नहीं थे. इसमें माइनस वन टू, इसमें माइनस वन पॉइंट वन टू थ्री, इसमें ये था और इसमें क्या है, इसमें सेम है. इसमें वो प्रॉपर्टी डायगनल वाली सभी प्रॉपर्टीज है परंतु इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा ये है कि जो डायगनल है वो सेम होने चाहिए. जैसे इसमें माइनस वन माइनस वन, इसमें वन अनरूट थ्री, अनरूट थ्री और अनरूट थ्री, ये कौन सी स्केलर मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर वही सेम होना चाहिए. वन इंटू वन, टू इंटू टू, थ्री इंटू थ्री, फोर इंटू फोर, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए. सिक्स्थ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगनल आर ऑल वन एंड रेस्ट ऑफ ऑल जीरो. इसमें भी वही प्रॉपर्टी है ऊपर वाली स्केलर मैट्रिक्स वाली सभी प्रॉपर्टीज हैं परंतु इसमें एक एक्स्ट्रा और दे दिया, जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो वन होने चाहिए सभी. इसमें क्या है, डायगनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए. इसमें बोल रहा है डायगनल एलिमेंट्स वन होने चाहिए, इक्वल भी होंगे. अगर सभी वन होंगे तो इक्वल तो होंगे, वन वन वन, और इनको डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सभी जीरो होने चाहिए और मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए. ये क्या होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसमें डायगनल मैट्रिक्स में क्या था, इसमें डायगनल को छोड़ करके बाकी जीरो थे परंतु डायगनल सेम नहीं हो सकते. स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगनल सेम होने चाहिए और इसमें सेम होने चाहिए वो भी वन 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 होने चाहिए. नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स में क्या, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. एक जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनमें सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो हो. इसमें वो स्क्वायर मैट्रिक्स वाली कोई बात नहीं बोली है, यानी कि ये ऑर्डर क्या हो सकते हैं, ऑर्डर अलग अलग भी हो सकते हैं. थ्री इंटू टू का भी हो सकता है, टू इंटू थ्री का भी हो सकता है, कोई भी ऑर्डर हो सकते हैं इसमें, परंतु सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं. वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाई ओ. इट्स ऑर्डर विल बी क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. आगे एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट सम देखते हैं. इन ए मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए इज इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स दे दी. इसमें पहले क्या पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताना है. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एम इंटू एन, यानी कि नंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम. पहले नंबर ऑफ रो देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो ये वाले फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, ये कौन से है, रो है. रो कितने हो गए, थ्री. एम इंटू एन होते हैं एम नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितने हो गए, थ्री. अब नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम. नंबर ऑफ कॉलम फोर. मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, थ्री इंटू फोर. सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ लिए इसने. पहले नंबर ऑफ, सॉरी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, सेकंड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या करना है, जो भी ऑर्डर अपना ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है ना उनको सॉल्व कर लेना है. यानी कि थ्री इंटू फोर है तो इनको सॉल्व क्या क्या आ गया, ट्वेल्व. थ्री इंटू फोर इज इक्वल टू ट्वेल्व. तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व. थर्ड वन, राइट द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स लिखने हैं. पहला है ए वन थ्री. ए वन थ्री
A13 का मीन्स क्या है, यानी फर्स्ट रो A13, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो इसका थर्ड कॉलम कौन सा है, ये थर्ड कॉलम, ये है पूरी थर्ड कॉलम, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ये 19। यानी कि आप सीधा ये देख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 19। नेक्स्ट है A21, A21 यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो कौन सी है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये 35। नेक्स्ट A33 यानी कि थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट्स, थर्ड रो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट -5। A24 यानी कि सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट सेकंड, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट 1 2 3 4 यानी कि 12 फोर्थ एलिमेंट। A23 23 मीन्स सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट सेकंड रो यानी का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड एलिमेंट 5/2। ये हो गया अपना फर्स्ट सम। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, ये पूछ रहा है अगर अपने पास 24 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा। 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स है, इनका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं m(n) और m(n) इज इक्वल टू mn, और mn है इनकी मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए, जो भी अपन को एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स दे रखे हैं वो टोटल एलिमेंट्स हैं 24। m इंटू n 24 को 1 × 24 यानी कि 24, सेकंड 2 × 12 24, यानी कि जो मल्टीप्लाई करने पर टोटल एलिमेंट्स दे रखे हैं वो आने चाहिए 2 × 12 24। थ्री इंटू एट 24, 4 × 6 24, 6 × 4 24, 8 × 3 24, 12 × 2 24, 24 × 1 24, इतने हो क्या हो सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हो सकते हैं, ये पहले रो सेकंड कॉलम। If it has 13 elements, then the possible order, अगर अपने पास 13 elements हैं तो possible order क्या होंगे, 13 को देखते हैं पहले, 1 × 13 13, ये बाद में किसी से multiply नहीं होगा, सीधा 13 से होगा, 13 × 1 13, अगर ये दोनों आप सोचोगे भी एक है, 1 × 13 13 × 1 ये तो एक जैसे ही है, परंतु इसमें 1 क्या है, रो है, ये क्या है, कॉलम है, इसमें ये क्या है, रो है, इसमें ये क्या है, कॉलम है, पहले में रो कितने थे, पहले में रो 1 थी और कॉलम, कॉलम थे 13, सेकंड में रो कितनी है 13 और कॉलम 1, ये डिफरेंस है इसमें, रो 1 रो 13 कॉलम 13 कॉलम 1, ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। थैंक यू।